चलो सर आओ जाओ छोटू जाओ 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 चलो चले यहाँ से हटो हटो वहाँ से पकड़े जाओ वहाँ से चलो चलो यहाँ से कोई नहीं बोलोगे क्या चलो नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्षतिग्रस्त जो हुआ था ये जहांगीरपुरी जहाँ पर दंगाग्रस्त लोग जो देखे गए थे और दंगाग्रस्त स्थल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरीके की कवायद चलाई गई है और बुलडोज़र यहाँ पर चला दिए गए हैं बताया जा रहा है अवैध निर्माण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मैं उसी मस्जिद पर हूँ जहाँ पर जब यहाँ जुलूस निकल रहा था हनुमान जयंती का और साथ में अजान हो रही थी तभी यहाँ दंगा जो है भड़क गया था और वही इसी वक्त मैं मौजूद हूँ। दिखा रही हूँ सामने ये मस्जिद आपको दिख रही होगी उसके सामने ही ये सारी तोड़फोड़ की गई है और बताया जा रहा है अवैध निर्माण है। पर एक सवाल ये उठता है कि जब यहाँ दंगाग्रस्त हुआ यहाँ दंगा हुआ उसी के बाद ये कवायद चलाई गई कि लगातार यहाँ बुलडोज़र ला दिया गया इससे पहले क्या सरकार सो रही थी। अवैध निर्माण बताकर यहाँ तोड़फोड़ की जा रही है पूरी पुलिस टुकड़ी जो है यहाँ मौजूद है इस तरीके से दिखाया जा रहा है पूरी पुलिस ऐसे खड़ी हुई है जैसे यहाँ पर आतंकवादी घुस आए हो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से लोग अंदर हैं मौजूद है वो गेट लगा दिया गया है कटघरे में जैसे लोग खड़े हुए हैं। क्यों एक तरफा भारत की जो रचा जा रहा है षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। क्यों सरकार एक तरफा भारत बनाने पे तुली हुई है विश्व गुरु जिसे बोला जाता है क्या इसी तरीके का विश्व गुरु बनाया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान खड़े हैं और उनके घर तोड़ दिए गए हैं सामने और अवैध निर्माण बता करके ये तोड़ा गया है सारा कुछ। अभी मैं इन्हीं से चलते हुए बात कर लेती हूँ। मैडम आप लोग यहीं रहते हैं क्या तो आप लोगों के भी घर मकान है यहाँ पे? नहीं इधर नहीं मस्जिद है हमारी ये मस्जिद है ये तोड़फोड़ जो क्या बताकर की गई है पता नहीं इन्होंने षड्यंत्र रच रखा था। नहीं मतलब मामला क्या था जो शुरुआत हुई दंगों की अवैध बता रहे हैं सारा मामला दंगों की शुरुआत जो हुई वो क्या क्या मामला बता के ये लोग कर रहे थे साजिश है हो रहा था हमारा 5:30 बजे का तो इधर से रैली लेकर दो बार मैडम ये कह रहे हैं कि हमारी जो है जुलूस जो आराम से निकल रहा था और आप लोगों ने जो है मुस्लिम लोगों ने जो है उन पे अटैक और पत्थरबाजी की। मैडम ये बताओ मुस्लिम लोग करते तो दोपहर में रैली निकली फिर दोबारा निकली तीसरी बार निकाल के ला रहे थे जब भी तो कर सकते थे मुस्लिम लोग और जगह भी तो करते कि मस्जिद के सामने ही मतलब जान बूझ के वो मस्जिद के सामने जुलूस को रोका गया ताकि आप लोग जो है अजान के वक्त बोला जा रहा है अजान के वक्त हमारी नमाज हो रही थी रमजान खोलने का वक्त हो रहा था तो आपके भी घर मकान है यहाँ पे जी। चलिए अभी और भी लोग जो मिलेंगे अभी उनसे हम बात करेंगे। अभी ये मैडम आप यहाँ पे रहती हैं क्या 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 कुछ हो रहा है ये आपके भी अवैध निर्माण है एक मिनट अभी हम जो है बात कर रहे थे लगातार यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद है उन दंगा पीड़ित लोगों से बात नहीं करने दे रहे हैं जो लोग यहाँ मौजूद हैं पीड़ित हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है। आपको मैं सामने तस्वीरें दिखा रही हूँ आप सामने देख लीजिए किस तरीके से अवैध निर्माण बताकर बुलडोज़र चलाए गए हैं और हो गया सर जा रहे हैं एक मिनट सामने आप देख सकते हैं ये पुलिस वाले हैं और हम अपना काम कर रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं लगातार जो है ये सामने आप देख सकते हैं वही जहांगीरपुरी है जहां पर दंगा ग्रसित ये क्षेत्र है बताया गया है जिस तरीके की कवायद यहां पर छिड़ी हुई है किस तरीके से यहां तोड़फोड़ की जा रही है सामने आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे और भी चलती हूँ आप आ जाइए आपको और भी तोड़फोड़ दिखा दूंगी किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो पुलिस है तो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर हमें जो है बात तक नहीं करने दे रहे उन पीड़ित लोगों से बात नहीं करने दे रहे उनका जानने नहीं दे रहे हाल कि क्या है किस तरीके की आप समझ सकते हैं
कवायद छेड़ी गई है, एक तरफा भारत रचा जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं पुलिस मनमाने तरीके से लोगों को हटा रही है। अगर हम उन लोगों से बात करें तो बात तक नहीं करने दिया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं, मैं फिर भी आपको कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाऊंगी, अगर मुझे कुछ लोग मिल जाएं जिनसे मैं बात कर सकूं। आप अंदर आ जाइए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये कबाड़ की दुकान है और सामने किस तरीके से तोड़ दिया गया है, जबकि ये दुकानें बहुत पहले टाइम से यहाँ पर थीं। सामने आप देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अभी दिखा रही हूँ आपको, ये सीधा बात तक करने नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है रोका जा रहा है, लोगों से अगर बात कर रहे हैं तो बात नहीं करने दिया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं, ये आपकी शॉप है। हाँ, तो ये क्या क्या कुछ है, ये नोटिस दिया गया था आपको? नहीं जी नहीं। किस किस तरीके की, देख लीजिए आप, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों से, बात तक नहीं करने दिया जा रहा है। हेलो मैडम, चलो मैडम, चोट लग जाएगा क्या है इधर? लगातार सर हमारा काम ही यही है, चोट लग जाए चाहे कुछ हो जाए। किस तरीके से ये सामने दुकान है कबाड़ी की, आप देख सकते हैं उसकी तोड़ फोड़ कर दी गई है। और पूछा मैंने उनसे कि नोटिस दिया गया, तो नोटिस भी जो है उन्हें नहीं दिया गया है, बिना नोटिस के यहाँ बुलडोजर चला दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें, किस तरीके से सारी पुलिस टुकड़ी है यहाँ पर मौजूद है। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग मौजूद हैं उसी घटनास्थल पर, मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में। यहाँ पर लगातार जो है रोका जा रहा है, बात नहीं करने दी जा रही है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं अब अंदर की तरफ आई हूँ क्योंकि लगातार जो है पुलिस टुकड़ी वहाँ मौजूद है, वो बात नहीं करने दे रही उन पीड़ित लोगों से। किस तरीके की राजनीति गढ़ी जा रही है, आप समझ सकते हैं कि अब इस पर कितनी बड़ी राजनीति होगी, क्योंकि आने वाले चुनाव भी है और दंगा भड़क चुका है। जिस तरीके से गुजरात में हुआ, खरगोन में हुआ, राजस्थान में हुआ, अब वो पहुंचते पहुंचते दिल्ली आ चुका है। यूपी में भी इसी तरीके के दंगे भड़के और लगातार इस तरीके के दंगे भड़काए जा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना है, उसी महीने में जो है जुलूस निकल रहे हैं। रामनवमी, इससे पहले भी हमारे देश में रामनवमी होती थी, इससे पहले भी हमारे देश में हनुमान जयंती बनाई जाती थी, मगर कभी इस तरीके का हिंदू खतरे में नहीं आया। और ज़बरदस्ती अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं, शांतिपूर्वक निकालिए ना, आपको किसने रोका है? तो वो ज़बरदस्ती वो जुलूस को जो है मस्जिद के सामने ही रोक देते हैं, जिस वक्त उनके अजान का टाइम होता है। मैंने अभी एक महिला से बात की थी तो वो यही बता रही थी कि मैडम इस तरीके की साजिश चल रही है। सोचिए हमारे देश में किस तरीके की राजनीति गढ़ी जा रही है, किस तरीके का राम राज्य बनाया जा रहा है, और पूरी कवायद जो है राजनीति है, सत्ता है, कुर्सी है, सत्ता में बैठी सरकार चुपचाप ये सब देख रही है। किस तरीके से लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, उनके घर मकान तोड़ दिए गए हैं, कितनी मेहनत मजदूरी से उन लोगों ने अपने घर बनाए थे, उन पर बुलडोज़र चला दिया गया है, तोड़ दिया गया है अवैध निर्माण बताकर। अभी तो ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, और अभी जो है बुलडोज़र रोक दिया गया, मगर जो अभी मकान और दुकानें तोड़ दी गई हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? वो इतनी मेहनत से उन लोगों ने अपने घर मकान बनाए थे, तोड़ दिए गए। और सबसे ज़्यादा यहाँ कबाड़ी की दुकान है, आप सामने देख सकते हैं, उन्हीं पर जो है बुलडोज़र चलाया गया है। सामने जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, किस तरीके की जो भीड़ है, सबको भगाया जा रहा है। जितने भी यहाँ मीडिया कर्मी आए हुए हैं उनको लगातार आगे भेजा जा रहा है, भगाया जा रहा है, बात तक नहीं करने दिया जा रहा है उन लोगों से जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से पूरी पुलिस टुकड़ी जो है मीडिया को हटाने की कवायद छेड़ रखी है, मीडिया को अलग रास्ता दिखा रही है कि आगे चलिए, सारी मीडिया को भगा रही है वहाँ से, लोगों से बात नहीं करने दिया जा रहा है। लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा, जिनकी दुकानें टूटी हैं उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है। ये टुकड़ी बढ़ती जा रही है आगे की ओर।